हेलो हेलो। हाँ नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अव्यल तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स शो में, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जीके और जीएस के क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके नंबर जो है बूस्ट कर सकते हैं, दो चार नंबर तो वो बढ़ा कर ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए कि आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, किन नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी नई चीजें हम जानने और समझने वाले हैं। तो सीधी सी बात है भाई, आपको आपको मेहनत करनी है, आपको हिम्मत रखनी है और अपनी अपनी क्या कहते हैं जो निंदा है उसको अपनी शक्ति बनाना है और उस शक्ति के साथ आपको आगे बढ़ते चले जाना है। तो आज हम बात करेंगे बजट के बारे में कि आखिर बजट कितने फेज में पेश होता है, बजट कितनी स्टेज में पास होता है, उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम एक वोमेन और नेशन बिल्डिंग पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो उसमें देखेंगे तो भारत में 1857 की क्रांति से लेकर 1950 तक कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भारत में महिलाएं जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। माउंट मेरापी वॉल्केनो के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वोमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में देखेंगे। चीन के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पीएमएलए एक्ट काफ़ी ज़्यादा इस समय आप सुन रहे होंगे। ईडी के बारे में काफ़ी आप सुन रहे होंगे, दोनों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे डिवाइन आर्ट फेयर की और लास्ट में हम देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, ये न्यूज में क्यों था। तो दरअसल ये 1905 मार्च 1931 को जब साइन हुआ था, उसके बाद भी 5 मार्च को जो है इसकी एनिवर्सरी मनाई गई थी, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख ले तो हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा आपके सामने आ गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है बेटा। क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और दोस्तों तक आपके ये चीज पहुंच सके, है ना। चलिए तो जल्दी से बताइए भाई, अगर डिवाइन आर्ट फेयर के बारे में कुछ जानते हैं, क्वेश्चन अपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में तो जरूर आप बता पाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से किस राज्य में दिव्य कला मेला जो है शुरू किया गया है। तो देखते हैं भाई किसमें शुरू किया गया है, दिव्य कला मेला होता क्या है बेसिकली, तो ये जान ले पहले हम, उसके बाद हम बाकी पढ़ लेंगे। तो बेसिकली आपको याद होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या किया था, जो दिव्यांगजन थे, जो दिव्यांगजन थे उनके लिए उनके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए इस तरह के जो है इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराना शुरू किया। दिव्यांगजन वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो सरकार ने इसका नाम बदलकर कह दिया था कि ये दिव्यांगजन होंगे, इनके लिए इस तरह के कला मेला, इस तरह के आर्ट फेयर शुरुआत की गई थी लास्ट ईयर 2022 में। आपको याद होगा कर्तव्य पथ पर दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद इसको इसका दूसरा वर्जन जो ये दिसंबर 2022 में था, उसके बाद जनवरी फरवरी 2023 में मुंबई में किया गया था, मुंबई में इसका सेकंड वर्जन किया गया था। इसी का थर्ड एडिशन अभी आयोजित किया गया है, कहाँ पर इसका थर्ड एडिशन आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश में इसका थर्ड एडिशन आपका आयोजित किया गया है, ठीक है। बेसिकली इसमें किसके लिए किया गया है, तो ये दिव्यांगजन जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए किया गया। पहला कब किया गया था, 2022 कर्तव्य पथ दिल्ली पर किया गया था दिसंबर 2022 में, उसके बाद मुंबई में किया गया था, ठीक है, मुंबई में इसका सेकंड एडिशन किया गया था और थर्ड एडिशन इसका आयोजित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में इसका थर्ड एडिशन आयोजित किया गया है, किसका, दिव्य कला मेला का। तो आई होप इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद हो जाएंगी। अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछ बैठे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को जो है इसने, अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछता है तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है इसकी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि मध्य प्रदेश में जो ये इवेंट हो रहा है इसको इनॉग्रेट किसने किया था, तो इनॉग्रेशन इसका किया था बेटा, इनॉग्रेशन किया था यहाँ के गवर्नर ने, जिनका नाम है मंगू भाई पटेल, ठीक है। मंगू भाई पटेल यहाँ के क्या है, गवर्नर है, कहाँ के, मध्य प्रदेश के गवर्नर है। इन्होंने इनॉग्रेशन किया था किसका, तो दिव्य कला मेला का इनॉग्रेशन भी किया था। समझ में आया बेटा ये चीज, सबने नोट कर ली, आप सब लोग नोट कर लीजिए जिन्होंने नोट नहीं किया है।
चलिए ठीक है। अगला देखें तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है भाई, तो माउंट मेरापी इसमें क्यों न्यूज में है, तो मैंने आपको बताया था माउंट मेरापी क्यों न्यूज में है। देखिए इसमें क्या हुआ, अभी हाल ही में ये फिर से इरप्ट हुआ है भाई, ये कुछ मतलब विश्व के कुछ मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में लिस्ट में ये इसका नाम आता है, माउंट के किलायू और उसके बाद माउंट मौना लोवा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं अक्सर जो है मतलब ये इरप्ट होते रहते हैं माउंट वेसुवियस, तो उन्हीं तरह अभी इन सब के बारे में बात करेंगे बेटा। तो उसी तरह से माउंट मेरापी ने अभी हाल ही में क्या किया, फिर से जो है इसके इसके मतलब अंदर से इसके गर्भ से फिर से दोबारा से लावा और मैग्मा इरप्ट हुआ है, तो ये टाइम टू टाइम इरप्ट होता रहता है। बेसिकली जो माउंट मेरापी है वो क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है, तो एक्टिव वोल्केनो से हम क्या समझ में आता है, तो बेसिकली एक टाइप ऑफ वोल्केनो है। देखिए टाइप ऑफ वोल्केनो की बात अगर हम करेंगे तो तीन तरह के टाइप होते हैं, तीन तरह के टाइप होते हैं यहाँ पे, एक होता है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो होता है, ठीक है, एक आपका होता है डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है जो कभी नहीं जलते हैं, ठीक है, तो शांत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी, तीन तरह के ज्वालामुखी होते हैं। तो ये जो माउंट मेरापी है आपका क्या हो जाता है, ये सक्रिय ज्वालामुखी, ये बेसिकली जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, कौन सा माउंट मेरापी, कहाँ पर पाया जाता है माउंट मेरापी, तो माउंट मेरापी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पाया जाता है, तो ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में ये सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ बैठे, अगर आपसे कोई पूछ बैठे भाई बताइए माउंट कैटोपॉक्सी कहाँ पाया जाता है, तो आप कहाँ पे बताएंगे माउंट कैटोपॉक्सी, अगर आपसे कोई पूछ बैठे तो आप कहाँ पर बताएंगे कि भाई माउंट कैटोपॉक्सी कहाँ पाया जाता है, जल्दी से बताइए माउंट कैटोपॉक्सी कहाँ पाया जाता है, देखते कौन सबसे पहला आंसर देता है, माउंट कैटोपॉक्सी कहाँ कौन सबसे पहले आंसर देता है। अगर कोई आपसे कोई पूछ बैठे कि विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई पर स्थित वोल्केनो कौन सा है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वोल्केनो कौन सा है, तो आप क्या नाम देंगे। अगर मैं आपको हिंट दे दूं कि ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, तो देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। अगर मैं आपसे आंसर पूछूं कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर मौजूद वोल्केनो कौन सा है, तो आप क्या नाम बताएंगे, तो अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में बिल्कुल सही बात है, अर्जेंटीना में ओजेस डेल सलाडो, ओजेस डेल सलाडो पाया जाता है, ये विश्व का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, सबसे उच्चतम ऊंचाई पर स्थित वोल्केनो है ओजेस डेल सलाडो। तो माउंट कैटोपॉक्सी कहाँ पाया जाता है, तो एक्वाडोर में, एक्वाडोर में जो है माउंट कैटोपॉक्सी पाया जाता है, ठीक है, माउंट कैटोपॉक्सी एक्वाडोर में पाया जाता है। समझ में आया चीज बेटा। अगर आपसे माउंट वेसुवियस पूछ ले, मैंने नाम लिया था ना माउंट वेसुवियस का, तो माउंट वेसुवियस कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है कहाँ पर, इटली में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इटली में पाया जाता है, वेरी गुड शाबाश। अगर आपसे कोई मौना लोवा पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मौना लोवा कहाँ पाया जाता है, तो मौना लोवा कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है भाई साहब हवाई में, कहाँ पाया जाता है, हवाई आइलैंड का नाम सबने सुना है, ठीक है, हवाई आइलैंड का नाम सबने सुना है, तो उसमें ये पाया जाता है, ठीक है, मौना लोवा हवाई आइलैंड में पाया जाता है, सबको ये चीज पता है बेटा। तो अर्जेंटीना का जो ओजेस डेल सलाडो है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचाई पर स्थित एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। माउंट कैटोपॉक्सी की बात करें तो ये इक्वाडोर में पाया जाता है, माउंट वेसुवियस की बात करें तो ये इटली में पाया जाता है, मौना लोवा की बात करें तो हवाई में पाया जाता है, और कोई इंपॉर्टेंट आपको याद आ रहा है तो बताइए जल्दी से। माउंट एल्ब्रुस की अगर कोई पूछ बैठे आपसे, अगर आपसे पूछ बैठे कोई माउंट एल्ब्रुस जो है, माउंट एल्ब्रुस जो है कहाँ पाया जाता है, तो आप कहाँ बताएंगे माउंट एल्ब्रुस, तो माउंट एल्ब्रुस जो है आपका रशिया में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, रशिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। और कोई आंसर देना चाहेगा तो बताने की कोशिश करें। अच्छा एक क्वेश्चन और मेरा है, चलिए इतने जो आपने नोट कर लिए होंगे फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, वेसुवियस इटली, कैटोपॉक्सी इक्वाडोर, अर्जेंटीना में ओजेस डेल सलाडो, माउंट एल्ब्रुस रशिया और मौना लोवा हवाई, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो आपको बताना है, एक मैं आपको नाम दे रहा हूं, मैं कलर बदल के दे रहा हूं, उस नाम को नोट कर लीजिए और मुझे बताइए कि ये कहां पर पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चिम्बराजो कहां पाया जाता है, चिम्बराजो कहां पर पाया जाता है, तो ये नाम कहां पर पाया जाता है आपको बताना है, ये आपके लिए अभी का टास्क है, जल्दी से बताइएगा चिम्बराजो कहां पर पाया जाता है, आप सभी के लिए सवाल है। इन सबको नोट कर लिया बेटा सबने, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा, जो ना समझ में आया हो खुल के पूछे, बिल्कुल हम आंसर देंगे, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आई चीज बेटा, चलिए ठीक है।
चलिए आगे देखें, आगे देखिए कि हम क्या पढ़ सकते हैं। तो क्या है संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। अच्छा चलिए तो एक बार हम देख लेते हैं कि कितने चरणों में या कैसे कैसे होता है बजट सत्र। तो आप सबको पता है कि हमारे भारत में जो है आर्टिकल 112 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट पेश किया जाता है हर साल, भारत सरकार पेश करती है पार्लियामेंट में, ठीक है, क्योंकि वो बजट पेश करने के बाद ही अपने जो डेली रूटीन के कार्य हैं उनको उनसे पैसा लेने के लिए सरकार से, ठीक है, उसको वो बजट पास कराना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए बजट को पास कराने के लिए बेसिकली टोटल छः चरणों में छः स्टेजेस में जो है आपका क्या होता है बजट पास होता है। सबसे पहले क्या होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, यानी कि जो 1 फरवरी को होता है ना कि स्पीच आती है तो बजट स्पीच देते हैं, तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, ठीक है, बजट स्पीच आती है, जब बजट का प्रेजेंटेशन होता है पहली स्टेज में सबसे पहले क्या कर दिया जाता है प्रेजेंटेशन कर दिया जाता है। आप देखा होगा कि पहली बार में क्या करते हैं वो हमारी निर्मला सीतारमण जी जो हमारी हैं वित्त मंत्री, वो क्या करती है वो आती हैं यहाँ पर और बजट स्पीच देती है कि हाँ हम ऐसा ऐसा करेंगे, इसमें फलाना फलाना जो है प्रोविजंस रहेंगे, तो वो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है। सबसे पहला काम जो होता है वो आर्टिकल 112 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें क्या होता है जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन देखा होगा ना जिसमें वॉकआउट कर जाते हैं, हम बात नहीं करेंगे, हम लड़ाई करेंगे और ये सब, मतलब तो ऑब्वियस है। तो 3-4 दिन का डिस्कशन होता है जिसमें मोदी जी ने जवाब दिया था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जवाब देते हैं या वो जो भी आपके रेगुलर डिस्कशन होते हैं, जनरल डिस्कशन 3-4 दिन तक चलते हैं, ये ऑब्वियस होता है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, 3-4 हफ्ते का गैप दिया जाता है, 3-4 वीक्स का एक गैप दिया जाता है किसके लिए, तो बेसिकली क्या होता है जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, यानी कि जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो क्या करती हैं वो इसमें जो है स्क्रूटनी करती हैं, वो इसको देखती हैं और अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं अपनी अपनी मिनिस्ट्री को, जो भी मिनिस्ट्रीज को जो भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्रीज है उनको ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है। तो ये जो ब्रेक था ये ब्रेक क्या था, ये फर्स्ट सेशन था और ये ब्रेक क्या करेगा अब इस ब्रेक के बाद जो दोबारा होगा तो वो होगा सेकेंड सेशन। अब सेकेंड सेशन में क्या क्या होता है, तो सेकेंड सेशन में मैंने बताया आपका कि जो भी आपका ये स्क्रूटनी हो रही थी ये थर्ड स्टेज थी, ये स्क्रूटनी जो थी क्या थी थर्ड स्टेज थी, ठीक है। स्क्रूटनी के बाद जब रिपोर्ट सबमिट हो जाती है उसके बाद क्या होता है तो वोट ऑन डिमांड होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वोट ऑन डिमांड होता है, बिल्कुल सही बात, शाबाश, ठीक है। तो उसके बाद होता है आपका वोट ऑन डिमांड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली देखिए जब आपका जनरल डिस्कशन होता है तो किसी भी तरह का कोई पॉलिसी कट या कट मोशन नहीं लाया जाता ना, 3 तरह के कट मोशन होते हैं, तीनों को बता दे रहा हूं मैं। तो जो यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट हुई उसके बाद जो है ये वोटिंग के लिए रखी जाती हैं, जो भी आपके जो बजट प्रोविजन है ये वोटिंग के लिए रखे जाते हैं, स्पेसिफिक मिनिस्ट्री अपनी अपने बजट को रखती है वोटिंग के लिए। इसमें 3 तरह के कट होते हैं, इकोनॉमी कट, ठीक है, इकोनॉमी कट के बाद आपका पॉलिसी कट, पॉलिसी कट के बाद आपका टोकन कट, ठीक है, टोकन कट बेसिकली। तो इस तरह से जो है आपको समझना चाहिए। देखिए इकोनॉमी कट क्या होता है, देखिए जब जैसे कोई प्रोविजन ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत बैडली इंपैक्ट कर सकता है तो कहते हैं कि इसकी जो डिमांड इसका जो रुपया है, ठीक है, इसको जो है रिड्यूस करो, एक स्पेसिफिक अमाउंट से इसको रिड्यूस कर दो, ठीक है। अगर कोई पॉलिसी जो है वहां पार्लियामेंट में लोगों को नहीं समझ में आ रही तो वो पॉलिसी क्या करते हैं कि जो भी पॉलिसी का अमाउंट है उसको रिड्यूस टू ₹1, यानी 1 रुपया कर दो तो मतलब उस पॉलिसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो इसको पॉलिसी कट मोशन बोलते हैं। और टोकन कट बोलते हैं कि 100 रुपए के अमाउंट से जो है अमाउंट रिड्यूस कर दो, ठीक है, 100 रुपए का टोकन के हिसाब से रिड्यूस कर दो कि ये पॉलिसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस तरह से 3 तरह के कट मोशन लगाए जाते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमारे अलीगंज सेंटर पर जाइए, वहां पर गैलेक्सी क्लासेस का GS NCERT का जो पोर्शन चलता है वहां पर जाके क्लासेस ले सकते हैं और इस चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वोट ऑन डिमांड के बाद जो है क्या होता है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि जब तक एप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास होगा तब तक जो बजट है वो माना नहीं जाएगा पास हुआ, ठीक है। तो पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, जब एप्रोप्रिएशन बिल एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा उसके बाद ही जो भारत सरकार है वो पैसा यूज कर सकेगी, बजट का पैसा यूज कर सकेगी अपनी स्कीम्स को चलाने के लिए। आपको ध्यान होना चाहिए पार्लियामेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब बिना एप्रोप्रिएशन एक्ट के कोई भी पैसा सरकार यूज नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है उसको और जो आपके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस बिल्स होते हैं उनको क्या करती है सरकार लाती है सदन में और उनको प्रस्ताव पारित कराया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में ये हुआ था, फर्स्ट सेशन में ये दोनों स्टेज हुई थी, प्रेजेंटेशन हुआ था, जनरल डिस्कशन हुआ था। अब जो है जो अब दूसरा सेशन शुरू हुआ है यानी जो दूसरा चरण शुरू हुआ है उसमें ये चारों स्टेप होंगे, ये चारों स्टेप हो जाएंगे। समझ में आई जी बेटा सबको, क्लियर, जो
जो दिक्कत हो आप दोबारा पूछ सकते हैं बिना किसी झंझट के। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, ये चीज बहुत समझ, बहुत बेसिक बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में रूस के साथ सुखोई 35 युद्धक विमान खरीदने के सौदे का को अंतिम रूप दे दिया है? तो ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान या इराक। तो अभी आपको हाल ही में याद होगा कि रूस ने क्या किया था। रूस ने बेसिकली जब 2020 में ईरान पर से वेपन्स खरीदने के लिए सैंक्शंस हटाए गए थे, 2020 में क्या हुआ था, ईरान पर से वेपन्स खरीदने के लिए सैंक्शंस हटाए गए, उसके बाद रूस ने डिक्लेयर किया था कि हम रेडी हैं अगर वो हमारे सुखोई 35 विमान लेना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था, ईरान ने इस डील को साइन कर लिया है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ईरान जो है अभी रूस से क्या करने जा रहा है, युद्धक विमान खरीदने जा रहा है। अभी हाल ही में आपको मैंने बताया था कि सऊदी अरब और क्या हुआ, सऊदी अरब और ईरान के बीच में, सऊदी अरब और ईरान के बीच में फिर से डिप्लोमेटिक टाइज को शुरू करने के लिए टॉक शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है। ठीक है, आपको पता होगा काफी लंबा इतिहास इन लोगों का चला आ रहा है, इन लोगों के बीच में कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ये एक नया एक इवेंट शुरू हुआ है। आई होप इस इवेंट से जो है हमारा जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर शांति बहाल होगी, और जो गल्फ क्राइसिस हम कहते हैं, जो कहीं ना कहीं वहां पर जो आपस में जो कहता है उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, उनको भी रुकावट मिलेगी, उन पर भी रोकथाम लग पाएगी। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है महिला और राष्ट्र निर्माण पर प्रदर्शनी का उद्घाटन। ठीक है चलिए, तो देखिए बेसिकली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी हाल ही में इस एग्जीबिशन का शुरुआत किया था। ठीक है, इस एग्जीबिशन को शुरुआत करने के लिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है, ठीक है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने शुरू किया था, इस एग्जीबिशन को लगाया था, ये 1891 में बेसिकली इसका निर्माण हुआ था। इसको 133वां जो है इसका, ठीक है, इसका 133वां स्थापना दिवस मनाया गया अभी हाल ही में, उसके उपलक्ष्य में इसने ये एग्जीबिशन लगाया था। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, तो इस जो आपका है, इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किसने किया था, अर्जुन राम मेघावल ने इसका इनॉग्रेशन किया था अभी हाल ही में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो अर्जुन राम मेघावल ने इसका इनॉग्रेशन किया था। समझ में आई चीज बेटा, चलिए आगे बढ़े और इसमें और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली जो ये आपका एग्जीबिशन लगाया गया था, ये क्या लगाया गया था, तो 1857 से लेकर 1950 तक उन महिलाओं के कह सकते हैं योगदान को दिखाने के लिए किया, जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया था। हम अक्सर हमारे यहाँ पर अक्सर लोगों के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को भूल जाते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान दिया था हमारी आज़ादी की लड़ाई में। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कुछ, मैं आपको नाम बताऊँ, तो अगर आपको मैं कुछ नाम बताऊँ तो आप इन सब के नामों के बारे में कल पढ़ के आइएगा, मैं ज़रूर पूछूंगा इनके बारे में। सबसे पहला नाम अगर आएगा तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, आप सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो रानी चेन्नम्मा का नाम आपने सुना होगा, रानी चेन्नम्मा का नाम सबने सुना होगा। चेन्नम्मा के बाद अगर हम देखें वापस और थोड़ा पीछे आए तो एनी बेसेंट का नाम सबने सुना होगा, एनी बेसेंट। इन सबके नाम पढ़ लीजिएगा बेटा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा, लेकिन फिर भी सरोजनी नायडू का नाम आपने सुना होगा। सरोजनी नायडू के बाद उषा मेहता का नाम आपने सुना होगा, सबने उषा मेहता का नाम सुना होगा। कस्तूरबा गांधी का नाम सुना होगा। इस तरह से कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत लंबी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्होंने हमारे आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, बहुत उत्कृष्ट योगदान दिया। बेगम हजरत महल, उनका नाम कैसे, लखनऊ में रहकर मैं उनका नाम तो नहीं भूल सकता फिलहाल, बेगम हजरत महल का नाम देखे। ठीक है, तो ये सब जो नाम है, ये इतने बड़े बड़े नाम है, इनको पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है। इन्होंने जो है आजादी की लड़ाई में ही उतना ही योगदान दिया जितना किसी और लीडर ने, किसी और नेता ने दिया था। तो इनके योगदान को याद करने के लिए बेसिकली नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, इस प्रदर्शनी को लगाया हुआ है, अभी ये प्रदर्शनी चल रही है। ठीक है, तो आप आराम से जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। बेटा मैंने जो ये नाम लिखे हैं, एक बार इनको नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि ये नाम के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो इनमें से मैं लिख के देता हूँ कि किसी ना किसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है आने वाले टाइम में, आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया चीज बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, तो रानी लक्ष्मीबाई हो गया, रानी चेन्नम्मा हो गया, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी और बेगम हजरत महल। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। ठीक है, रानी गिडालू,
एक नाम और है बेटा, रानी गिडालू। बेसिकली ये एक 14 साल की बच्ची थी जिसने जो है रिवॉल्ट कर दिया था नागालैंड में, जिसके बाद नेहरू जी ने इनको रानी की उपाधि दी थी। नेहरू जी ने इसको रानी की उपाधि दी थी। रानी गिडालू नागालैंड में एक ट्राइबल कम्युनिटी की बच्ची थी, ठीक है। 14 साल की उम्र में ही इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था, जिस उम्र में आजकल के बच्चे रील्स और क्या कहते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट बना रहे हैं ना। अगला टॉपिक हम देखें बेटा, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे चीन का नया जो है आपका क्या बनाया गया है, नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री भाई वहां बनाए जाते हैं, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, उसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है। फास्ट जल्दी से बताएं, फास्ट, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ली चियांग, ठीक है। तो शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर, बेसिकली तीसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है चीन में अगले 5 सालों के लिए, और इनके लिए इनके साथ ली चियांग को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में ली चियांग जो है अब इस पद को संभालेंगे। कौन संभालेगा, तो ली चियांग इस पद को संभालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे हम क्या पढ़ सकते हैं। तो माउंट मेरापी वोल्केनो के बारे में मैंने आपको बताया, आपने इसके बारे में पढ़ा है, अभी मैंने डिटेल में बताया था। तो अभी तक मुझे चिम्बराजो के बारे में किसी ने नहीं बताया, तो ये बहुत कमाल की बात है भाई। चिम्बराजो जो है आपका कहाँ पर है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर चिम्बराजो वोल्केनो आपका पड़ता है कहाँ पर, इक्वाडोर में, ठीक है। चिम्बराजो वोल्केनो आपका इक्वाडोर में पड़ता है बेटा, याद रखेंगे फायदा आपका है, नहीं याद रखेंगे तो नुकसान आपका है, मैं तो बता के चला जाऊंगा, है ना। कोशिश करिए कि आप जो है अपना फायदा करवाएं, नुकसान क्यों करवाना है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आज बहुत डिटेल वाले क्वेश्चंस नहीं है, जिनमें डिटेल वाली क्वेश्चन में मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं, उन डिटेल्स को जरूर याद रखिएगा क्योंकि वो काम आ जाएंगी, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला है डेनियल मेदवेदेव ने दोहा में कतर ओपन के फाइनल में निम्नलिखित में से किसे हरा दिया है। डेनियल मेदवेदेव ने दोहा में जो कतर ओपन हो रहा है, ठीक है, कतर ओपन जो हो रहा है दोहा में, उसमें से किसको हरा दिया है, राफेल नडाल, एंडी मरे, नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसमें इनमें से किसको हरा दिया है, राफेल नडाल, एंडी मरे, नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर। तो इसमें डेनियल मेदवेदेव ने दोहा में जो कतर ओपन हो रहा है वहां पर क्या किया है, वहां पर अपना 17वां टाइटल जीत लिया, 17वां जो है टूर टाइटल जीत लिया है, 17वां टूर टाइटल जीत लिया है, 17वां टूर टाइटल जीत लिया है बेसिकली, और कतर ओपन जीत लिया है किसको हराकर, तो एंडी मरे को हराकर जो है क्या किया है, अपना 17वां टूर टाइटल जीत लिया है, किसने, डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया। चलिए अब आप सबको बताना है क्वेश्चन, आप सबको ये बताना है, ठीक है, जल्दी से आपको ये बताना है कि इनमें से किस खिलाड़ी ने अब तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या राफेल नडाल, इन तीनों के नाम से आप सब लोग चिर परिचित होंगे। आपको बताना है कि वो नाम कौन सा है जिसके नाम पर सबसे ज्यादा आपके ग्रैंड स्लैम मौजूद हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं किसका सबसे पहले दिमाग चलता है, कौन सबसे पहले बताता है, जो बताएगा उसके घर 500 रुपए का इनाम पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वुमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में बात करते हैं। में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, आप सबको पता है, उसके बाद से लगातार चलिए स्वागत है वंदना सिंह जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बेटा। चलिए तो वुमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में बात करें, तो आपको पता होगा 2007 में जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से लगातार ही T20 क्रिकेट की एक जो लोकप्रियता थी वो बढ़ती चली जा रही थी, जिसके बाद IPL को शुरू किया गया था 2008 में IPL को शुरू किया गया था, ठीक है। जिस अगर IPL की बात करें तो उसको 2008 में शुरू करने के बाद इसको टोटल MI जो मुंबई इंडियंस है वो 5 बार जीत चुकी है। गुजरात टाइटंस जो है आपकी अभी इस बार करंट डिफेंडिंग चैंपियन है,
जो पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी गुजरात टाइटंस, तो उसी की तर्ज पर जो है महिला क्रिकेट के लिए, उसी की तर्ज पर वोमेंस क्रिकेट के लिए वोमेंस प्रीमियर लीग जो शुरू की गई है उसका फर्स्ट एडिशन अभी चल रहा है 2023 में T20 क्रिकेट के लिए। ठीक है, 2023 में T20 क्रिकेट के लिए इसमें पहला आपका एडिशन चल रहा है। इसमें टोटल इस बार 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन 5 टीमों के अगर नाम लिए जाएं तो दिल्ली टाइटंस, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, RCB और UP वॉरियर्स। तो कौन कौन हो जाएगा मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका फिर से अब मैं बोल दे रहा हूँ, तो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं गुजरात टाइटंस के बाद RCB। चलिए मैं इनको लिखा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, गुजरात टाइटंस, RCB, मुंबई इंडियंस, UP वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, और दिल्ली कैपिटल्स। तो ये 5 टीमें जो है अभी के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं। BCCI ने बोला है कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे आने वाले समय में, इसको और एक्सपेंड करने की कोशिश की जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली हम जो है नंबर ऑफ टीम्स को कॉपी करके 8 ले जाएंगे, उसके बाद फर्दर अगर हमारे पास खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती है या कॉम्पिटिशन अगर उतनी पॉपुलैरिटी गेन करता है तो हम 10 जैसे कॉमन हमारा IPL होता है उस लेवल तक ले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट को प्रमोट करना भी उतना ही जरूरी है जितना हम मेंस क्रिकेट को कर रहे हैं। और हमारी महिला खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया है Under-19 वर्ल्ड कप में, अभी वर्ल्ड कप जीत के लाए थे हम लोग महिला क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं ये कुछ उपलब्धियां हैं जो हमें याद रखनी चाहिए अपने महिला क्रिकेट के लिए। तो बेसिकली ये डेटा आपका यहाँ पर इतना ही जरूरत थी, इससे ज़्यादा डेटा की जरूरत नहीं है। समझ में आई चीज़ बेटा? चलिए, तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी लाइफ बन जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना? ऐसा बोलना चाहिए, लाइफ बन जाएगी। मतलब पुराने डायरेक्टर नहीं होते तो मुंबई आज लाइफ बना दूंगा, ठीक है? तो उस टाइप में आप जो है लाइक कर दो, मेरा लाइफ बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय बैनर खड़ा कर दिया है? तो बेसिकली इंडियन आर्मी ने क्या किया है, एक टॉलेस्ट अभी 100 फीट का, एक 100 फीट का पिलर पर हमारे लिए तिरंगा जो है एस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पर? तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में। डोडा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारा ये किया गया है। डोडा डिस्ट्रिक्ट हमारा कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये कार्य किया गया है। बेसिकली जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये कार्य किया गया है। वहां पर क्या किया गया, 100 फीट के पिलर पर एक आपका टॉलेस्ट जो है आइकॉनिक नेशनल बैनर लगाया गया, यानी कि हमारा तिरंगा झंडा लगाया गया है, आइकॉनिक नेशनल बैनर लगाया गया है। सबको बताना है अभी ये कि हमारा जो झंडा है, जो तिरंगा है, वो कब जो है आपका क्या कहता है अप्रूव किया गया था, हमारा तिरंगा जो है भारत में कब अप्रूव किया गया था, कि हमारा तिरंगा होगा कब अप्रूव किया गया था, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, सत्येंद्र जी स्वागत है आपका, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 6 का भी बेटा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताना है कि तिरंगे को कब अडॉप्ट किया गया था, तिरंगे को कब अडॉप्ट किया गया था, तारीख बता दीजिए एक बार, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एज गुड एज माई वर्ड नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एज गुड एज माई वर्ड जो है नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चलिए बताइए कौन किसके द्वारा लिखी गई है, कौन लिखक है इसके? तो ऑप्शन है आपके KM चंद्रशेखर, राधिका श्रीन, रुचिरा कम्बोज या KM रेड्डी। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये जो हमारे राइटर हैं, ये क्या थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे 2007 से 2011 के बीच में, 2009 से 2011 के बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे, ठीक है, UPA गवर्नमेंट में, जिन्होंने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बेसिकली ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। तो जल्दी से बताइए भाई, अब इसका राइटर कौन होगा, KM चंद्रशेखर, राधिका श्रीन, रुचिरा कम्बोज या KM रेड्डी? नोवाक जोकोविच बेटा, बिल्कुल सही जवाब है, उस क्वेश्चन का आंसर नोवाक जोकोविच है। मैक्सिमम जो आपके ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, ठीक है, चलिए शाबाश, ओके। KM चंद्रशेखर, तो आपके एज गुड एज माई वर्ल्ड के जो लेखक हैं वो KM चंद्रशेखर जी हैं। कौन है? KM चंद्रशेखर जी इस बुक के लेखक हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे PMLA एक्ट के बारे में। इस समय आप सब लोग इसको बहुत न्यूज में सुन रहे होंगे, PMLA एक्ट, है ना? तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, बेसिकली क्या होता है PMLA, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, PMLA एक्ट, ED के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आप सबने सुना होगा इस समय एक इंस्टीट्यूशन के बारे में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED।
बेसिकली करप्शन को लेके जितने भी हमारे केसेस होते हैं वो इसमें ईडी ही डील करता है। ईडी के निर्माण 1956 में हुआ था, 1956 में इसका निर्माण हुआ था जब एक यूनिट बनाई गई थी बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को रोकने के लिए। बाद में इसको एक आपका परमानेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, तो ईडी वर्क किसके किसके अंतर्गत करता है, तो ईडी आपको वर्क करता है पीएमएलए 2002 के अंतर्गत, ठीक है, पीएमएलए के अंतर्गत एक्ट करता है, फेमा के अंतर्गत एक्ट करता है, फेमा के अंतर्गत एक्ट करता है, और आपका आपका जो फॉरेन एक्सचेंज से लेके करप्शन होता है उसके अंतर्गत भी करता है, ठीक है। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स के लिए भी ये एक्ट करता है, FEOA, ठीक है। जो भगोड़े होते हैं, जो देश का पैसा लेके भाग जाते हैं, तो उसके उनको उनको भी डील करता है कौन, ईडी। इन तीन एक्ट के अंतर्गत ईडी वर्क करता है। चलिए चलिए, हमारा जो आज का कंसर्न है वो पीएमएलए एक्ट है, हम पीएमएलए एक्ट के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो देखिए, पीएमएलए एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है बेसिकली, तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपको बताओ। देखिए, लॉन्ड्री का मतलब समझ में आता है कि सफाई करना, ठीक है, गंदगी हटाना। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यह है कि ऐसा पैसा जो किसी गलत तरीके से कमाया गया हो, उस किसी इलीगल तरीके से कमाया गया हो, उसको लेजिटिमेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। देखिए, ये बेसिकली तीन प्रोसेसेस में किया जाता है, कैसे जो है डर्टी मनी को क्लीन मनी बनाया जाता है, कैसे डर्टी मनी को क्लीन मनी बनाया जाता है, इसका इसके तीन प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम डर्टी मनी को प्लेसमेंट करते हैं, इसको प्लेस करते हैं किसमें, फाइनेंशियल सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में जो है इसको प्लेस करते हैं, समझ में आया चीज। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम ऑफशोर बैंक्स को लेके या अलग अलग तरीकों से लेके इन्वेस्टमेंट करके इसकी हम लेयरिंग करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, मान लीजिए 100 रुपए है, तो 100 रुपए को हमने 20-20 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके इसकी लेयरिंग करते हैं, और इसके बाद इसको परमानेंटली क्या कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, हम एसेट्स खरीद लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, हम कमर्शियल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और हमारा जो डर्टी मनी होता है, जो इलीगल मनी कमाया गया होता है, कैसे, चाहे वो स्मगलिंग से, चाहे वो पोचिंग से, वो चाहे वो किसी भी तरीके से, जो भी इलीगल तरीके से ब्लैक मनी, उसको क्या कर देते हैं, हम डर्टी को क्लीन कर देते हैं, और हमारा पैसा क्या बन जाता है, क्लीन बन जाता है, डर्टी नहीं रह जाता, समझ में आया जी बेटा। तो तीन स्टेप्स में क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, लेयरिंग करते हैं, और इंटीग्रेट कर देते हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, और उसके बाद वो पैसा हमारा हमेशा के लिए क्लीन पैसा बन जाता है। अब तो बहुत सारे तरीके आने लगे हैं, मतलब सारे तरीके मैं रिवील भी नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। कभी आपको मौका मिले तो आप हमारे साथ आइएगा, हमारी क्लास में बैठिएगा, हम अक्सर इस तरह के डिस्कशन करते रहते हैं इकोनॉमी की क्लास में या करंट अफेयर्स की क्लास में, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से इसी समझ में आएगी। समझ में, तो तीन प्रोसेस में बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो पीएमएलए एक्ट बेसिकली इसी को रोकने के लिए बना हुआ है, पीएमएलए एक्ट इसी को रोकने के लिए बना हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग को मुझे समझाना बेसिक में टारगेट था, वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए जल्दी से बताइए, अगला हमारा प्रश्न है क्या है, जल्दी से बताइए। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसने कोलैबोरेट किया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से, जिसने क्या किया, यूएस 10 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी को वो क्या करेगा, कैप्चर करेगा। मतलब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने किसके सहयोग से भारत में डिजिटल भुगतान $10 ट्रिलियन अवसर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें किसके साथ मिलकर जो है रिपोर्ट जारी की गई है, पेटीएम के साथ, फोन पे के साथ, गूगल पे के साथ, अमेजन पे के साथ। तो बेसिकली फोन पे के साथ मिलकर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने क्या किया है, इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसका शीर्षक क्या है, भारत में डिजिटल भुगतान $10 ट्रिलियन अवसर। देखिए, एक चीज समझिए, हमारे यहाँ पर 2016 के बाद से जो स्पीड बढ़ी है, कह सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स की, डिजिटल पेमेंट्स की, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है, और इससे हमारे डिजिटल पेमेंट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार के चैलेंजेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। वो कैसे, तो सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस डाटा को सिक्योर रखना, डाटा रिवील ना होने पाए, ट्रांजेक्शन सेफ रहे, फ्रॉड से हम बच सकें, स्कैमस्टर से बच सकें, और डाटा हैकिंग से बच सके, डाटा प्राइवेसी हमारी बची रह जाए। तो ये सब चीज़ें जो है सरकार के लिए चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे हैं, आई होप सरकार इन सबसे डील करेगी, क्योंकि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम $10 ट्रिलियन क्या कहते हैं पेमेंट सिस्टम तक पहुँच रहे हैं, और बहुत जल्दी ही भारत इस मुकाम को भी हासिल कर लेगा, क्योंकि जिस पेस से हम अब डिजिटल क्या कह सकते हैं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल लो कि पहले हम लोग, चलिए आज से अगर 1.5 साल पहले के, तो ठीक है, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे तो शॉप्स पे करते थे, हम लोग मॉल्स में करते थे या किसी बड़ी शॉप पे कर देते थे ना। लेकिन अगर अब जाए तो एक आपका ठेला वाला, आपका बताशा वाला, आपका जो रेडी वाला है,
वो भी पेटीएम लेके बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास फोन पे है, और बहुत इजिली जो है हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजिली हम कुछ पैसे को कह सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक से बैंक तक, और हमारे पास जो है टेंशन की जरूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटलाइजेशन है जो निचले स्तर तक पहुंचा है, जो ये एकदम लोअर लेवल तक पेनिट्रेट कर पाया है, यही हमारे यहाँ पर जो ये रैपिड डिजिटलाइजेशन हुआ इसके लिए प्लस पॉइंट है, और इसको भुनाना चाहिए। और इस डिजिटल इकोनॉमी को हम और आगे बढ़ाकर यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, और रोजगार के अवसरों के साथ साथ हम अपने आप को अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकते हैं। खैर, दीपकला मेला के बारे में मैंने आपको भी बताया था हाल ही में, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि पिछले दो दशकों में इसरो द्वारा एकत्रित उपग्रह डेटा के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहा है? तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि लैंडस्लाइड इंडेक्स के बारे में, लैंडस्लाइड इंडेक्स में अभी निकाला गया है, जिसमें क्या हुआ है कि इनमें से किसी एक जिले को क्या बोला गया है, इनमें से किसी एक जिले को बोला, बेसिकली दो जिलों की डिटेल निकाली गई थी, जिसमें बोला गया था कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड को, जहां पर भूस्खलन हो सकता है। तो कौन कौन से थे? एक तो आपका था रुद्रप्रयाग, एक तो आपका रुद्रप्रयाग जिला था, रुद्रप्रयाग जिला, और दूसरा आपका था टिहरी जिला। तो ये टिहरी और रुद्रप्रयाग जिला मिलाकर कहीं ना कहीं ये हाई रिस्क में है, जो भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड्स, मेजर लैंडस्लाइड्स कभी भी हो सकती हैं, जो इसरो की लैंडस्लाइड इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार। तो इस चीज को बेटा हमें समझना होगा, ठीक है। कौन कौन से? तो रुद्रप्रयाग और टिहरी, रुद्रप्रयाग और टिहरी। चलिए, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम देखें, तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं? तो आप सबको पता होगा कि 1930 में क्या हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ। सॉल्ट सत्याग्रह जब शुरू हुआ, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद ये एक बहुत मेजर इवेंट बन गया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत मेजर इवेंट बना, और ब्रिटिश सरकार की काफी बदनामी भी हुई कि वो इंडियंस के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंडियंस को बहुत परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद क्या हुआ था कि इरविन ने लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम पे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इन्होंने इस मैटर को शांत करने के लिए, इस बवाल को शांत करने के लिए बोला कि ठीक है, हम फेस टू फेस बात करेंगे। जिसके बाद कांग्रेस में सरदार पटेल ने गांधी जी को ऑथराइज किया कि आप जाइए और वहां पर जो डिस्कशन आप करेंगे, जिसमें कहा गया कि 1-to-1 डिस्कशन पहली बार ऐसे हुआ था। और इसी टाइम पर बोला गया कि पहली बार इंडियंस को क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के इक्वल्स रखा गया, यानी कि जो गांधी इरविन पैक्ट था उसको डिस्कशन अमंग इक्वल्स बोला जाता है। अभी तक क्या होता था कि ये लोग इंडियंस को सबॉर्डिनेट समझते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ गांधी इरविन पैक्ट में कि इनको बोला गया कि ये क्या है, ये डिस्कशन अमंग इक्वल्स हो रहा है, यानी कि बराबरी के लोगों के बीच में कोई समझौता हो रहा है। जब आपका गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसमें कई बिंदुओं पर गांधी और इरविन के बीच में चर्चा होती है, इसमें उनमें कई पर सहमति भी बनती है, कहीं पर जो है वहां पर असहमति भी रहती है। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, तो गांधी जी ने बोला था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी रिलीज किया जाए, जो भी आपके कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंसेस लाए गए हैं कांग्रेस को बैन करने के लिए या कांग्रेस की एक्टिविटीज को रोकने के लिए, उन ऑर्डिनेंसेस को रोका जाए, जो भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसको रोका जाए, पुलिस जो ब्रूटलिटी हुई है उस पर जो है जांच बिठाई जाए, जिसमें से कुछ को जो है इरविन ने मान लिया, लेकिन दो डिमांड्स ऐसी थी जिनको नहीं माना था। पहला ये था कि जो पुलिस के लिए कमीशन बिठाने की बात हुई थी, पुलिस ब्रूटैलिटी के लिए, उसको डिनाई कर दिया था कि नहीं भाई, ऐसा कोई कमीशन नहीं बैठेगा। और दूसरी चीज, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोकने के लिए जो बोला गया था उसको भी डिनाई कर दिया इरविन ने, बोला कि इनको हम आजाद नहीं कर सकते। इस चीज के लिए गांधी का बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन अगर हम एक सच्चाई वाली बात करें तो शायद उस टाइम पे अगर हम होते तो हमें भी कुछ समझ में ना आता, या शायद हम लोग उस चीज को डील ना कर पाते, क्योंकि अंग्रेज भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु जी से ऐसा इतना ज्यादा डरे हुए थे कि वो उनको छोड़ने की जहमत नहीं उठा सकते थे। वो उनसे इतना खौफ, कहते हैं देसी भाषा में बोले तो खौफ खाते थे, इतना सहमे हुए थे कि अगर भगत सिंह एक बार और छूटते तो शायद वॉइसरॉय का नंबर आ जाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, भगत सिंह की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी। ठीक है, वो थोड़े से वॉयलेंट थे, लेकिन जब साइलेंट होते थे साइलेंट होकर भी काम करते थे, दोनों ऐसी। ठीक है, खैर, गांधी जी ने अपने लेवल पर कोशिश की भगत सिंह को बचाने की, लेकिन उस टाइम पर जो है अंग्रेज एकदम स्ट्रिक्ट थे
कि हम किसी भी रूप में जो भी वॉलेंट एक्टिविटीज में शामिल हमारे नौजवान हैं उनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद जो है हमारे जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया गया। करीब करीब 90,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा गया और कांग्रेस पर से बैन हटा लिए गए। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया गया था यानी कि जब्त किया गया था उनको वापस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है। खैर चलिए, तो गांधी इरविन पैक के बाद लास्ट में आज का हमारा सवाल है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार लगातार 2 बार जीतने वाली खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, मैरी कॉम या विनेश फोगाट। जल्दी से आंसर बता दीजिए, इनमें से बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो मीराबाई चानू जी ने जीत लिया है। किसने? मीराबाई चानू जी ने इस अवार्ड को जीत लिया, लगातार दूसरी बार जो है इस अवार्ड को जीत लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम हाजिर होंगे सुबह 8 बजे इसी जगह इसी वक्त इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, कुछ नया यहाँ से आप सीख कर जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।